हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आइए, मैं इस सेलिंग लाइट यानी एलईडी डीप लाइट है ये, इसको रिपेयर कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूँ। आजकल नए जनरेशन की लाइट है, लेटेस्ट लाइट है ये, आजकल यही सब लग रहे हैं घरों में, छत में जो हल्की सी दिखाई देती है, जाकर चिपक जाती है छत में, इसको डीप लाइट भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको रिपेयर कैसे किया जाएगा। ये ख़राब बल्ब है, पहले सबसे पहले इसको सप्लाई में लगा कर देखते हैं कि जल रहे कि नहीं ये। तो इसको सप्लाई में लगाते हैं, इसकी लीड थोड़ा छोटी है वायर, देखिए दोस्तों ये ब्लिंक कर रही है हल्की सी, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, हल्की सी ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है इसका किट सही है। जो भी प्रॉब्लम है एलईडी में ही प्रॉब्लम है, इसमें एलईडियां रहती है बहुत सारी। अभी मैं इसको खोलने के लिए बताऊंगा कि इसको कैसे खोला जाता है। तो आइए इसको सबसे पहले खोलते हैं और फिर एक बार और चेक करते हैं। इसको खोलने के लिए टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। एलईडी बल्ब की अपेक्षा ये बहुत आसानी से खुलती है, क्योंकि इसका ऊपर वाला कवर जो दिख रहा है, ये रिंग, ये स्टील टाइप का जो रिंग दिख रहा है, स्टील निकिल वाली, इसके जस्ट पीछे लॉक दिया रहता है। देखिए दोस्तों ये लॉक है, इसको आसानी से धीरे से पुश करने पर ये खुल जाती है बाहर की तरफ। देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, देखिए ये खुल गई। इसमें भी एलईडी बल्ब जैसा एलईडियाँ इसमें भी रहती है। फिर से इसको टेस्ट कर रहा हूँ मैं कि कैसे ब्लिंक कर रही है। देखिए मैं जिसमें लगा रहा हूँ ये सीरीज बोर्ड है, सीरीज टेस्टिंग लैंप, और ये वाला जो स्विच के साथ काम कर रही है डायरेक्ट टेस्टिंग लैंप है, जिसमें मैं अपना सोल्डिंग आयरन पहले से लगा रखा है गर्म होने के लिए। इसको ऑन कर दे रहा हूँ, और ये सीरीज लैंप है, टेस्टिंग लैंप है, सीरीज लैंप, जो पिछली वीडियो में आपको सीरीज टेस्टिंग लैंप बनाने के लिए बताया हूँ। ऊपर आई लिंक दबाकर उसको देख सकते हैं आप और समझ सकते हैं। देखिए कैसे जल रही है, लेकिन स्लो जल रही है, धीमी जल रही है। इसका मतलब हुआ कि इसका किट सही है, केवल एलईडी में गड़बड़ी है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं कि एलईडी को रिपेयर कैसे किया जाएगा। इसको बदल भी दिया जा सकता है, लेकिन इसको मैं रिपेयर करके जलाऊंगा, आप भी सीखिए रिपेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसकी वायर छोटी है, तो इसमें लंबी वायर जोड़कर प्लग से कॉन्टेक्ट करूँगा। दोस्तों इसमें लंबी वायर मैंने जोड़ लिया, इस वायरों में इंसुलेटेड टेप लगा दे रहा हूँ ताकि दोनों आपस में शॉर्ट ना करें। अब इसको प्लग में लगाना बिल्कुल आसान हो गया है, इसके वायर लंबा हो गया है। अब इसको आसानी के साथ इस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के प्लग में लगा सकते हैं। देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है इसका अंदर वाले किट सही है। अब इसमें दो चार दो छः दो आठ दो दस एलईडियाँ लगी हुई है। अब 200 एलईडियों में कोई एक एलईडी ख़राब होगा, और जो ख़राब एलईडी है वो जल नहीं रहे। देखिए दोस्तों, तो ये चिमटी के सहारे से इस एलईडियों को शॉर्ट करेंगे, जैसे पिछला वीडियो में एलईडी बल्ब रिपेयर में मैं बता चुका हूँ, सेम वही तरीका इसमें भी अपनाया जाएगा कि इसमें भी एलईडी बल्ब है। अगर वो एलईडी बल्ब रिपेयर वाला वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई लिंक दबाकर देख सकते हैं। देखिए इंसुलेटेड चिमटी द्वारा इसको, जिस पर टेप लगा हो, इंसुलेटेड चिमटी द्वारा इसको हम शॉर्ट करेंगे, सब एलईडी को बारी बारी से शॉर्ट करेंगे। देखिए ये भी सही है, 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 ये भी सही है। देखिए दोस्तों ये वाली एलईडी ख़राब है, इस पर मैं चिमटी लगाया हूँ, इसको चिमटी हटा देने के बाद से बिल्कुल वैसे ही जलने लग रही है धीमी गति से, और फिर इसको जैसे चिमटी यहाँ लगा रहा हूँ तो तेज जल चुकी है। इसका मतलब ये एलईडी ख़राब है। अब इस एलईडी को इसको पहले सप्लाई से निकालते हैं, अलग रखते हैं इसको, और सेम इसको ऐसा ही करना है जैसे मैं पिछली वीडियो में एलईडी रिपेयर में बता चुका हूँ। इस एलईडी को स्क्रैच करेंगे, यही एलईडी ख़राब वाली एलईडी है जिसको शॉर्ट करने से एलईडी जल रही थी, इसको मैं स्क्रैच कर दिया। मेरी सोल्डिंग आयरन गर्म हो रही है, इसके ऊपर वाली निकिल को साफ कर देंगे ताकि सोल्डर इसमें आसानी से चिपक सके। देखिए मैंने इसको साफ़ कर दिया, ये मेरा सोल्डर आयरन गर्म हो गया है,
शोल्डर वायर है ये, और इसके लिए पेस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, जो ये पेस्ट है। शोल्डर को इसको रखेंगे, देखिए इसमें शोल्डर चिपक गई आसानी के साथ। अब इसको सोल्डरिंग आयरन को अलग करेंगे और फिर इसको सप्लाई में लगाएंगे, देखेंगे कि इसका क्या पोजीशन है। देखिए फिर इसको सीरीज टेस्टिंग लैंप को सप्लाई में लगाएंगे। देखिए दोस्तों एलईडी बन के तैयार हो गई, और इसको डायरेक्ट सप्लाई में भी चेक किया जा सकता है। ये डायरेक्ट सप्लाई है, इसमें भी टेस्ट किया जा सकता है। देखिए एलईडी जलने लगी। तो ये रहा एलईडी लाइट रिपेयर। इसमें देखिए आप, इसमें 10 एलईडियां थी, एक एलईडी ख़राब हो जाने के उसको शॉर्ट कर दिया गया, अब 9 एलईडी पर ही आसानी के साथ काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए मेरे वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं रोज़ लगा आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।